हदीस इज ब्रॉट टू यू बाय हायर इंस्पायर्ड लिविंग। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज हो, और महाजर वो है जो अल्लाह के मना किए हुए कामों से अलग हो जाए। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. कराची में महमूदाबाद के करीब पुलिस की कार्रवाई, कलदम तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार। गुलशन इकबाल में सर्च ऑपरेशन, 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। साहिवाल में जीटी रोड पर ट्रक और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम, 6 अफराद जहां बाहक जबकि 40 जख्मी हो गए। डॉक्टर आसिम केस में नया मोड़, साबिक मुशीरे पेट्रोलियम का सनसनीखेज वीडियो बयान मंजरेआम पर आ गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी का करीबी दोस्त उवैस मुजफ्फर टप्पी हर किस्म की करप्शन में मुलव्वस है, ओहदा ना होते हुए भी वजीर आला बन बैठा था। उवैस मुजफ्फर ने धमकी दी कि ऐसा टीका लगाऊंगा, याद रखोगे। ऑपरेशन दरबे अर्ज के दौरान 3,500 दहशतगर्द हलाक, 4,304 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका क्लियर कराया। ऑपरेशन को 2 साल मुकम्मल होने पर तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग, कहते हैं रॉ और एनडीएस पाकिस्तान में सरगर्म है, किसी गैर मुल्की एजेंसी को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं देंगे। तोरखम बॉर्डर पर झड़पों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर, सरहद पर अमन के परचम लहरा दिए गए। पाकिस्तान ने चेक पॉइंट पर गेट की तामीर दोबारा शुरू कर दी। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी जरूरी है, तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, कई छतें और दीवारें गिर गईं, मुतादिद दरख्त उड़ गए। रावलपिंडी, गुजमाला, खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बारिश का इम्कान। और यूरो फुटबॉल कप में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी, ग्रुप मैचेस के दौरान स्लोवाकिया की रूस के खिलाफ 2-1 से कामयाबी, स्विट्जरलैंड और रोमानिया का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर, फ्रांस ने अल्बानिया को 2-0 से हरा दिया।